अभी सुबह के हो गए हैं 4:56। जी हाँ, सारी रात हम सोए नहीं, सारी रात हमने थोड़ी सी अपनी तैयारी की कि हमने सुबह क्या क्या करना है, कैसे जाना है, सारी प्लानिंग हमने रात को बैठ कर की। तो अभी जस्ट हम उबर में हैं एंड जैसे ही मतलब उबर में है, अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से अभी हमारी ट्रेन है हमारी 6 बजे के आसपास। हम कुछ ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि चेंज भी हो सकता है टाइम, आगे पीछे थोड़ा टाइम चलता है, तो अगर पहले पहुंच जाए तो बेटर रहता है। तो अभी जस्ट हम गुड़गांव से निकले हैं, हमें तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे पहुंचने में। मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि हम सोए नहीं रात भर, तो अभी पिछले रात को रजत भी साथ में है, उसने अंधेरा किया हुआ है, बिल्कुल मास्क वगैरह लगा रखा है, मास्क मैंने भी लगा रखा था, जस्ट मैंने वीडियो बनाने के लिए भी मास्क बना रहा है। सो जस्ट अभी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, तो रेलवे स्टेशन पहुँच के आपके साथ फिर से जुड़ते हैं, बने रहिए। सो फाइनली हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। जी हाँ, देखिए रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली है, अभी तक कोई नहीं आया, सबसे पहले हम ही पहुँचे रेलवे स्टेशन। सो अभी जस्ट करेंगे वेट, 6:20 की ट्रेन है एंड अभी 6 ही बजे हैं, तो देखते हैं। ट्रेन आगे आगे, हम ट्रेन के पीछे, तो यही है ट्रेन हमारी, जस्ट अभी चल रही है, वेट रुकियो। C1 रजत बाबू को ज्यादा जल्दी होती हुई, देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है ना। घुटनों पर बैठे है, गुद्दी से पकड़े है, सारे सारे गोट मेरे सामने तो पकड़े है, अरे कौन है ये सब बाली के बकरे। ठीक है चल ठीक है चल ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है चल 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 ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है बाबू से कम था चल ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है चल 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 ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ। अभी हमें कम से कम, मैं बताना तो भूल गया हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हमने अभी यहाँ से ट्रेन ली है, वो है ली है काठगोदाम की। जी हाँ, काठगोदाम जो है वो नैनीताल से 20 किलोमीटर पीछे पड़ता है, 20-25 किलोमीटर। सो जस्ट हम जैसे ही काठगोदाम 11:30 बजे पहुँचते हैं, तो देन उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे आगे नैनीताल के लिए। सो जस्ट बने रही है, और मेरी आप आंखें देख सकते हैं लाल हो चुकी हैं, सोए ही नहीं है भाई, सारी आगे नहीं सो रही, लड़ गए बस, सो क्या बताऊँ यार, सोचो तो। सो अंधेरे से हो गए हैं दिन, दिन से हो जाएगी दोपहर, और दोपहर से हो जाएगी शाम, और शाम से हो जाएगी रात, तो सफ़र हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। सफ़र के साथ साथ चलते चलते एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।
अभी जस्ट हमने पोहा खाया एंड ये भारतीय रेल की अभी चाय पी थी सुबह सुबह नाश्ते में एंड मास्क पड़ा है, ईयरफोन पड़ा है और ये टिश्यू पेपर हमने रखा हुआ है। एक बार आपको ट्रेन भी हम दिखा देते हैं, ये ऊपर हमारे बैग बुक रखे हुए हैं जी सारे। अभी हम पहुंच चुके हैं सिम्भोली एंड यहाँ से आई थिंक है तो काफ़ी दूर, हम लगभग 11 बजे के आसपास पहुँचेंगे काठगोदाम। तो वहाँ से हम जैसे टैक्सी करेंगे या बस लेंगे, देखते हैं वहाँ जाके क्या साधन मिलता है उसी के मुताबिक हम जाएंगे। नैनीताल कैसे पहुँचना है हमें वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया ही सारा कुछ कि पहले थोड़ा अंधेरा था, उजाला हो गया एंड अभी हम सिम्भोली पहुँचे हैं। सिम्भोली से अभी बहुत टाइम लगने वाला है, कम से कम हमें टाइम लगेगा अभी तीन से चार घंटे वो लगेंगे। 11 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। अभी जस्ट टाइम हुआ है 7:45 एंड 11 बजे के आसपास या 11:30 बजे के आसपास शायद हम पहुँच जाए एंड वहाँ जाके देखते हैं कि हम नैनीताल कैसे जाएँ। जी हाँ, हम नैनीताल जा रहे हैं तो नैनीताल देखेंगे जी जाके क्या होगा कैसा नहीं होगा। बढ़िया से घूमेंगे, 3-4 दिन बिताएंगे एंड नैनीताल से आगे हम जाएंगे, शायद हम अल्मोड़ा जाएँ या उसके बाद लाइक रानीखेत भी काफ़ी फेमस है वहाँ पर, तो वहाँ से हम जस्ट जाएँगे बाइक पर या किस पर जाएँगे। हाँ, बाइक वाइक पे ही जाना होगा, बाइक लेंगे रहते हैं वहाँ पर। अभी जस्ट थोड़ी ही देर में गंगा भी आने वाली है तो मैं गंगा रिवर आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि बैठे बैठे दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। मुंह में बोलेगा हर फुल टॉस पर सिक्स नहीं लेने का, बाबू भैया बोले बिल्कुल डिक्स नहीं लेने का, होकड़ का दंगल है बात है नहीं धाकड़, मेरी माँ से पूछो क्या पैदा किया था खाकर, दिमाग से तार रख गुस्से में हूँ सोटी आता प्यार था खुद पे की खुद को ले लूं गोदी, अलग ही है जोन कोई भी न टकरे, घुटनों पर बैठे है गुद्दी से पकड़े, सारे गोट मेरे सामने तो पकड़े, अरे कौन है ये सब बाली के बकरे। ठीक है बापो सिखा मत चल ठीक है चल ठीक है। गंगा मैया की जय। कर लीजिए दर्शन गंगा मैया के, अद्भुत दृश्य। माना कि थोड़ा पानी कम है बट कहते हैं ना वो कि एक बस क्या बताऊँ, याद नहीं आ रहा अभी। तो यह गंगा जी बहुत ही बढ़िया, आपको थोड़ा अलग सा दिखेगा गंगा जी का दृश्य, अद्भुत बिल्कुल बहुत ही अच्छे। वो आपको किश्ती दिख रही होगी, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा आज हमने अपने कैमरे में कैद किया, अच्छा लगा देखकर। सो फाइनली बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद हमें कुछ थोड़ी ऊंचाई पर अब लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि हम पहाड़ों पर आ गए हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर अब थोड़ा कितना टाइम है, अभी 10:25 हुए हैं और थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ अभी हम थोड़ा आए हैं जंगली इलाके में।
जंगली इलाके में कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, इतनी हरियाली देखने को मिली। मेरी दिल्ली वालों को हरियाली कहाँ नसीब होती है। बहुत ही बढ़िया जंगल। तो अभी जाएंगे हम जंगलों जंगलों में, थोड़ा सा घूमेंगे, जड़ी बूटियाँ ढूंढेंगे। अगर आप लोगों को भी कोई जड़ी बूटी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके लिए मैं ज़रूर जड़ी बूटी के आऊँगा। मेरे साथ नाथ बाबा हैं, रजत बाबा, उनको हर एक जड़ी बूटी का ज्ञान है। अगर आपको कोई जड़ी बूटी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं, आगे की जर्नी हम ऐसे ही जारी रखेंगे। तो अभी दीजिए इजाज़त, आते हैं आपके पास आधे घंटे के बाद। कमी नहीं पैसे थे कम पर बात नहीं, छुट्टों की शहर का मैं शेर हूँ, गली तो साले कुत्तों की, खुद का ही टीचर, 100 में से दूं 100, डीएम करे क्यूट फिर बोले मुझे आ, खुद का ही स्टाइल किसी को ना करता कॉपी, डार्लिंग मैं सबका बट किसी की नहीं बॉबी। ठीक है चल ठीक है चल ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है चल 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 ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है, बाप को सिखामा सिखामा था चल ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है चल 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 ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ चल ठीक है हाँ। दम दम डेगा डेगा स्वैग में पूरा बेगा बेगा, राखी है बीट में उमिका मिका, बीमारी कोई बाली टीका टीका, संगीत तो सुन तेरा मुंह खुलेगा, शब्दों का रस तेरे मुंह में घुलेगा, हर फुल टॉस पर सिक्स नहीं लेने का, बाबू भैया बोले बिल्कुल डिक्स नहीं लेने। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम। तो अभी जस्ट ये मेट्रो आई है एंड अभी यहाँ से चलेंगे हम दूर कहीं दूसरे देश। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँचे हैं, सुबह 6 बजे के चले हुए दिल्ली से अभी पहुँचे हैं एंड अभी जस्ट हमने ये देखना है कि हम यहाँ से नैनीताल के लिए क्या लें क्या ना लें, वो तो बाहर निकल के ही पता चलेगा। मेन जहाँ तक मुझे पता है शायद बस वगैरह या कोई प्राइवेट टैक्सी हमें लेनी पड़ेगी नैनीताल तक पहुँचने के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। Thank you.